गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर इंग्लिश टीचर आरती पाल टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश एन सी ए आर टी क्लास फिफ्थ द नेम ऑफ द चैप्टर इज रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू वॉर्ड्स माई बोट रॉबिन्सन क्रूजो कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सेंट तभी मैंने वहाँ पर रेत पर एक मैन के फुटप्रिंट देखा फुटप्रिंट प्रिंट मीन्स होता है पैरों का निशान आई स्टूड अमेज आई लिसन्ड आई लुकड अराउंड अराउंड मी अब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर अमेज्ड सरप्राइजिंगली वहाँ पर खड़ा हो गया मैंने सुनने की कोशिश की मैंने अपने चारों तरफ देखा आई कुड नीदर हीयर नॉर सी एनी थिंग लेकिन वहाँ पर ना ही मैंने किसी को देखा ना ही मैंने किसी को सुना आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन मैं ऊपर की तरफ गया जिससे कि मैं नीचे देख पाऊँ आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर शोर मीन्स होता है सी का किनारा समुद्र का किनारा अब वो कह रहा है कि मैं शोर के ऊपर भी गया किनारे के दूसरी साइड भी गया बट इट वॉज नो गुड लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था आई कुड फाइंड नो अदर फुट प्रिंट बट दैट वन अब रॉबिसन क्रूजो कह रहे हैं कि मैंने उस एक फुट प्रिंट के अलावा और कोई भी फुट प्रिंट वहाँ पर नहीं देखा आई विंट टू इट अगेन सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुट प्रिंट्स अब वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर दोबारा गया जिससे कि मैं और फुट प्रिंट्स देख पाऊँ या फिर एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन अब वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इमेजिन ही कर लिया हो किसी फुट प्रिंट को और वो वहाँ पर ना हों बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन लेकिन मैं गलत नहीं था फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुट प्रिंट ऑफ अ फुट लेकिन वहाँ पर बिल्कुल फुट का ही पैर का ही निशान बना हुआ था टोज़ हील एवरी पार्ट ऑफ अ फुट टोज़ मीन्स होता है पैरों की उंगलियाँ ठीक है अब वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं गलत नहीं था वहाँ पर वही पैरों की उंगलियाँ हील पूरे फुट का ही निशान था आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर अब वो कह रहा है कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि एक फुट प्रिंट कहाँ से आया आई स्टेट आ लॉन्ग टाइम थिंकिंग मैं वहाँ पर रुक कर बहुत देर सोचता रहा बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज जितना ज़्यादा मैं सोचता रहा उतना ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज होता रहा एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड फ्राइटेंड मीन्स होता है डरा हुआ भयभीत होना अब वो कह रहा है कि और अंत में मैं अपने घर वापस जा रहा था लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी टू और थ्री स्टेप्स मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन अब वो कह रहा है कि इतना डरा हुआ था जब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था तो हर दो तीन स्टेप्स बाद मैं पीछे मुड़कर देख लेता था बुशमींस होता है झाड़ियाँ तो वो कह रहा था कि डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी, किसी किसी झाड़ी या किसी पेड़ को देखकर मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई मैन तो नहीं है वैन आई केम टू माई केव केव जहाँ पर वो रहता था अब वो कह रहा है जब मैं अपनी केव में आया आई ran इन साइड इट मैं अंदर दौड़ कर चला गया एज़ इफ आई वॉज़ बींग चेज मैं इतनी तेज़ दौड़ा ऐसा लग रहा था चेज मीन्स होता है पीछा करना ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो आई do नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज़ टू लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक अब वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अंदर कैसे गया किसी रॉक की हेल्प से गया होल से गया या फिर किसी लेडर लेडर मीन्स होता है सीढ़ी की हेल्प से गया विच आई कॉल द डोर जिस जिस जो मेरा डोर था वहाँ तक मैं कैसे पहुँचा आई रन फॉर कवर मैं जल्दी से दौड़ा अपने आप को कवर करने के लिए फास्टर देन एन एनिमल कुड रन मैं इतनी तेज़ दौड़ा जैसे कि कोई एनिमल दौड़ता है एनिमल दौड़ सकता है उतनी तेज में दौड़ा आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट अब रॉबिनसन क्रूजो कह रहे हैं कि उस रात मैं सो नहीं पाया द मोर आई थाट अबाउट वॉट आई हैड सीन जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं रात भर सोचता रहा द मोर अफ्रेड आई बिकेम जितना ज़्यादा मैं सोचता रहा उतना ही ज़्यादा मुझे डर लगता रहा आई थाट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड होू हैड वॉन्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट अब वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो वाइल्ड बेटा आपने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा लेकिन यहाँ पर वाइल्ड पर्सन की बात हो रही है ठीक है जो आप ई में एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर आप घुमंतु लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग लैंड्स पर रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं अपने खाने पीने की तलाश में ठीक है तो सेवजेस उनको कहा जा रहा है आई थॉट इट मैंने सोचा कि शायद कोई वाइल्ड पर्सन होंगे जो जंगलों में रहते हैं या फिर जो छोटी छोटी बोट्स की हेल्प से लेकर समुद्र के किनारों पर घूमते रहते हैं लकली सौभाग्य है आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम सौभाग्य है कि उस टाइम पर मैं शोर पर नहीं था मतलब समुद्र के किनारे नहीं था उस टाइम अगर वो लोग आए होंगे बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो इफ़ ही हैड सीन दोट ही वुड हैव रियलाइज दैट सम वन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मे अब वो कह रहा है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर वो सेवेजेज होंगे तो उन्होंने मेरी बोट देखी होगी और अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली तो उन्हें यह ज़रूर पता चल गया होगा कि साइलैंड पर कोई रहता है वो आएँगे और वो मुझे मार कर खा जाएंगे एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज और यही सोचते सोचते मैंने कई दिन कई दिन निकाल दिए एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रे करता रहा इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट अब इसके बाद कई दिन अब वह अपने घर में रह चुका था इसके बाद उसे लगा कि अब उसे फिर से दोबारा बाहर जाना चाहिए और खोज भी नहीं करनी चाहिए बट इवेन नाओ लेकिन अब एज आई वेंट फॉरवर्ड लेकिन जब मैं आगे गया आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली इसके बाद फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है लगातार इसके बाद वो लगातार अपने पीछे देख रहा था बिकॉज आई वॉज आई वॉज स्टिल फ्राइटन क्योंकि अभी भी वो थोड़ा सा डरा हुआ था हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर टू और थ्री डेज एंड सॉ नथिंग आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर अब बेटा क्या था वो कह रहा है कि जब मैं दो तीन दिन बाद गया तो मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर बोल्डर मीन्स होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना ताकतवर होना तो जब मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बहादुर बन गया आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एक्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर अब वो कह रहा है कि जब मुझे मुझ में थोड़ा सा साहस आ गया था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस शोर पर दोबारा जाऊंगा और वहां पर उस फुटप्रिंट को दोबारा चेक करूंगा कि वहां पर फुटप्रिंट है या नहीं है आई डिसाइडिड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क उसने सोचा कि मैं ये भी मेज़र करूंगा कि उसका जो फ़ुटमार्क है उसका साइज़ क्या है मेरे जितना है या किसकी तरह है एज़ आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट जब मैं उस फुट प्रिंट के पास आया आई रियलाइज़ दैट इट कुड इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट अब वो कह रहा है कि जब मैं उस फुटप्रिंट के पास आया और मैंने अपना पैर रख कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम अब वो कह रहा है क्योंकि इस जगह पर मैं बहुत लंबे समय से आया ही नहीं हूँ सेकेंडली और दूसरी बात है एज़ आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर दैन माई ओन अब वो कह रहा है दूसरी बात यह है कि इस जो निशान है फुटप्रिंट का इसका साइज मेरे पैर के साइज से बड़ा है माई फियर रिटर्न अब बेटा उसका डर जो है वो दोबारा लौट आया था वो दोबारा डर गया आई वेंट होम अगेन इसके बाद मैं दोबारा चला गया बिलीविंग दैट देयर वॉज सम वन देयर द आईलैंड वॉज इन्बिटेड वो इस डर के साथ चला गया कि इस आइलैंड पे कोई रहता है बेटा इनहैबिटेड आपको याद है अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको इनहैबिटेंट्स सिखाया था इनहैबिटेंट्स मीन्स होता है निवासी तो वो यही कह रहा है कि लास्ट में मुझे यही लगा कि इस आइलैंड पर कोई रहता था सो स्टूडेंट्स प्लीज़ स्टोरी को सुनिए समझिए नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे थैंक यू एंड हैव नाइस डे